कई बार ऐसा होता है ना, पुराने कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे पहन पहन के हम बोर हो गए तो उसे रिजेक्ट कर दिया, फिर या कहीं से थोड़ा सा फट गया है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमें वो कपड़े अच्छे लगते हैं, उसकी कंडीशन वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन कहीं से फट गया है या फिर पहन पहन के हम बोर हो चुके हैं, तो ऐसे कपड़े जो इकट्ठा हो जाते हैं उसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू आइडिया, जो बहुत ही अच्छा है, धमाकेदार है। तो क्या आप तैयार हैं मैजिकल सिलाई के लिए? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मैजिकल सिलाई। तो मैंने यहाँ पे मेरी पुरानी कुर्ती ले ली है, दो है, उसमें से एक का हम आज रीयूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे नीचे का जो कुर्ती का घेरा था वो ले लिया। मैं इससे पहन पहन के बोर हो चुकी थी और कहीं से थोड़ा सा होल हो चुके थे, तो मैंने क्या किया, इसे नीचे का घेरा कट किया और सेंटर से जो होल था वो मैंने कट कर लिया है। और वैसे कपड़ा बहुत ही अच्छा था, न्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें से कुछ बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने घेरा कट किया, फिर स्लीव्स कट की, साइड से भी मैंने कट कर लिया है, आप कुछ देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ना आपको ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और यहाँ पे स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, फिर आपको क्या करना है, ऐसे रखिए तो ये नेक थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर मैंने प्रांसी का, मेरी बेबी है उसका नाम प्रांसी, उसका टॉप ले लिया है, इसके ऊपर रख के मैं इसी के नाप से मार्किंग करके यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। देखिए यहाँ पे आर्मोल पे अगर एक्स्ट्रा है तो वो कट लगा लीजिएगा, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लगे वो कट कर लेंगे। वैसे भी हमने ये कटिंग किया है तो एक्स्ट्रा जो था वो वैसे भी कट हो चुका था, तो नेक भी हमारा छोटा हो चुका है, इसीलिए वो अच्छे से सेट हो चुका है, ऊपर का जो टॉप का बा चोली का बा पार्ट है वो। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लीजिएगा और इसे ऐसे फोल्ड करना है। नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो मैंने ऐसे कट किया और ऊपर का पार्ट आपको जितनी लंबाई में रखना है उतना रख लीजिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका ऊपर का। अब पीछे का जो घेरा था उसमें प्लेन कपड़ा था, तो 3 फिंगर जितना ऊपर जगह छोड़ते हुए मैंने ये 2 स्ट्रिप लिए। इसमें आप लंबाई जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे ऐसे कट किया और सेंटर में हम ऐसे रफल्स ले लेंगे। ज़्यादा कट करना है, ज़्यादा रफल्स लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड देखे इस तरीके से लिया है और सेंटर में 3 प्लेट ले ली है। अब हमें क्या करना है, ये प्लेट तो हमारी ले चुके हैं हम, अब बैक फ्रंट साइड का जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पार्ट था उसे लेना है और ऊपर से हमने कट किया था वहाँ पे आप फोल्ड कर लें। फिर हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए जितनी कुर्ती है हम उतने हिसाब से ही घेरा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से आगे घेरा बहुत है क्योंकि ये चुन्नट वाली कुर्ती थी, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, जितनी लंबाई है उतना आप रख सकते हैं। तो मैंने सोचा ये वर्क वाला दोनों पार्ट आगे पीछे अटैच कर लेते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी वाला जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा लगेगा ना इसमें। तो देखिए इस तरीके से चुन्नट लेते हुए हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिए। फिर हमें क्या करना है, बेल्ट बनाने हैं, तो जो बैक साइड का घेरा था उसे ले लिया है मैंने यहाँ पे, और बेल्ट बनाने के लिए तो इसे मैंने कट कर लिया है। तो 16-17 इंचेस इसकी लंबाई रखी और 4 फिंगर जितनी चौड़ाई रखी। आप इसे पतला भी बना सकते हैं, मुझे थोड़ा चौड़ा बनाने की मन था तो मैंने ऐसे चौड़ा बनाया है। तो इसे किनारे पे क्रॉस में कट कर लिया, फिर उसे स्टिच कर लिया है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे अब आप सीधा कर लीजिए, देखिए 16 से आप 21 इंचेस तक भी रख सकती हैं। अब हम ऊपर के चोली के पार्ट में अटैच कर लेंगे, आप प्लेट भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी खुला खुला भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, साइड में उल्टा रख के हमें स्टिच करना है, मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ लेकिन, और उल्टा स्टिच करके हमने इसे सीधा कर लिया है। और ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है, 9 से 8 ईयर गर्ल के लिए है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ फैमिली हमारी 1 मिलियन तक होने वाली है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बड़ी बना दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।